हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब करियो में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। मैं आपको बता दूं, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हिमाचल प्रदेश के वेरियस एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस टॉपिक से वेरियस एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्जाम, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एग्जाम, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं, ये सारे वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो आप भी हमारे इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हो हमारी ऐप। और इन कोर्सेज का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाए। तो आज की क्लास को जो है बिना वक्त गवाए अब हम शुरू करेंगे। देखिए नंबर सीरीज, मैं पहले आपको बता दूं, हमारे इन जो कोर्सेज का टारगेट है ना, टारगेट क्या है, 100% मार्क्स, 100% मार्क्स। और आज की इस क्लास का टारगेट क्या रहेगा कि एग्जाम में जो एक या दो क्वेश्चन नंबर सीरीज से बनेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इस तरीके से करवाऊंगा कि मरते दम तक जो है आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी। और आपको एक चैलेंज भी देता हूँ कि जितनी भी क्लासेस होंगी नंबर सीरीज के ऊपर, जितनी भी क्लासेस मैं लूंगा नंबर सीरीज के ऊपर, आपको चैलेंज है कि भूल कर दिखाइएगा अगर एक बार पूरी क्लास आपने देखी, ठीक है। तो देखिए नंबर सीरीज बिल्कुल बेसिक से आज करवाऊंगा और धीरे 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 एडवांस लेवल तक आपको जो है लेके जाऊंगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आज होंगे, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाऊंगा, और जो अगली आने वाली क्लासेस होंगी, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी आपके टिप्स के ऊपर होंगे। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ा बाकी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ा बाकी है। ये जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नंबर सीरीज के आपको दो से, देखिए वैसे तो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका हल्का सा बेसिक बताऊंगा, आपको इसकी अप्रोचेस बताऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को देखकर आपको अपने मन में सोचना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। नंबर सीरीज में अमूमन एग्जाम में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर निकालने को पूछा जाता है आपसे, न्यू पैटर्न के ऊपर होगा, कोई रॉन्ग नंबर जो है निकालने को जो है आपसे पूछा जा सकता है। हर एक चीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जब भी नंबर सीरीज को जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, आपने देखना है सबसे पहले उनके बीच में गैप कितना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, अप्रोचेस बता रहा हूं, क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व करवाऊंगा, तब ज्यादा कमांड बनेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ एस्पायरेंट्स को ये चीजें आती हो, लेकिन हम उन एस्पायरेंट्स को भी साथ लेकर चलेंगे जिनको अभी नंबर सीरीज की ABCD ही नहीं पता। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आ जाए मेरे पास, गैप देखिए, सबसे पहले आपको गैप देखना, देख के पता लग जाएगा। अभी आपको ये भले ही लंबा लग रहा है, लेकिन जब सारे तरीके आपके मन में होंगे, 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए गैप देखना है उसके बीच में, अगर बहुत कम गैप आपको लग रहा है, ठीक है। देखिए दो टाइप्स का गैप होगा, एक होगा इंक्रीजिंग और दूसरा होगा डिक्रीजिंग। बड़े ध्यान से देखिए, ये दो चीजें आपको जो है देखने को वहां पर मिलेंगे, या तो इन जैसे 5, 10, 15, 20 इस तरीके की सीरीज होगी, या घटती हुई सीरीज होगी। तो ध्यान से रखना, अगर गैप बहुत कम आपको देखने को लग रहा है, तो वहां पर माइनस होगा, ये ध्यान रखना है आपने, माइनस अपने मन में लेकर चलना है। माफ कीजिएगा, बहुत कम गैप आपको लग रहा है, अगर इंक्रीजिंग है सीरीज, तो वहां पर एडिशन होगी। अगर आपको ज्यादा ज्यादा गैप लगा, जैसे 2000 के बाद सीधा 8000 है, सीधा 9000 है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जरूर मल्टीप्लीकेशन हुई होगी। देखिए ये बहुत बारीक चीजें हैं, आपको समझाना जरूरी है। और डिक्रीजिंग होगा तो माइनस होगा या डिवीजन होगा, ये चीज आप समझोगे जब आप धीरे धीरे इसके क्वेश्चन करोगे। इसके बाद दूसरी अप्रोच आपको क्या रखनी है, देखिए दो चीजें आपको पता लग गई। नंबर वन यही याद करवाऊंगा, नंबर वन चीज क्या है, अगर गैप थोड़ा है ना, आपको देखने से आइडिया लगेगा, गैप थोड़ा लग रहा है तो आपके मन में होगा अच्छा, या तो प्लस किया होगा या तो सब्ट्रैक्शन हुई होगी। अगर ज्यादा ज्यादा गैप नंबर सीरीज में दिख रहा है, तो माइंड में लेके चलिएगा, या तो डिवीजन होगा या तो मल्टीप्लीकेशन होगी। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में रखनी है, वो ध्यान रखना है स्केयर और क्यूब।
बस ये दो चीजें भी आपको अपने मन में लेकर चलना है, और जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे ना, नई नई चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस सीरीज को जो है याद रखा जा सकता है। शर्त क्या है, मेरे साथ बने रहना है और इस क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। और एक चीज और बता दूं, वीडियो देखनी नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। देखिएगा स्क्रीन और क्यू, जब भी नंबर सीरीज आपको देखें, ये चार चीज आपके मन में होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वेयर और क्यू। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसके अराउंड ही एग्जाम में जो है पूछा जाता है। स्क्वेयर और क्यू का मतलब, जैसे कि कोई नंबर होगा तो आपको पता होना चाहिए किसके स्क्वेयर के पास है, किसके क्यूब के पास है। बस ये आपने समझ लिया, मतलब आपकी जो इमारत की नींव है ना, वो मजबूत हो गई, वो मजबूत होगी। बाकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी, जितनी भी इसके ऊपर कमांड बनेगी, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बनेगी। तो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन से आपको लेकर चलूंगा, जिसको प्लस टू का स्टूडेंट भी जो है सॉल्व करेगा, लेकिन वो बताना जरूरी है। धीरे 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 जो है हम टिपिकल लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए सीरीज आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कैसा एग्जाम में आएगा। ध्यान से देखिए, सीरीज है हमारी 1, 9, 25, 36, 49। ठीक है, उसके बाद है यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर क्या आएगा, और उसके आगे है हमारे पास 121, उसके आगे क्या है हमारे पास 121 थे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली अप्रोच, देखिए क्वेश्चन आसान है नो डाउट, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूं, जैसे जैसे हम टिपिकल की तरफ चलेंगे ना, आपने सोचना कैसे है वो यहां पर सीख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए, क्या इनके बीच का गैप आप देखोगे कि बहुत कम आपको देखने को लग रहा है, तो यहां से आपके मन में आना चाहिए या तो इसमें प्लस किया है कुछ या तो माइनस किया है। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच ये होगी। दूसरी अप्रोच होगी, क्या कहीं स्क्वायर किसी के और क्यूब के आसपास तो नहीं, ये भी आपने देखना है। तो जैसे ही आप इसको देखोगे, डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये तो किसी का स्क्वायर और क्यूब के आसपास ही नहीं, स्क्वायर और क्यूब ही है। जैसे कि यहां पर मैं देखूं, एक का क्यूब किसका क्यूब है, एक का क्यूब है। उसके बाद यहां पर देखिए किसका क्यूब है, तीन का क्यूब है। उसके पास देखिए किसका क्यूब है, पांच का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नंबर भी यहां पर नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया गया है, उसके बाद देखिए किसका क्यूब है, सात का क्यूब है। किसका क्यूब है, सात का क्यूब है। और उसके बाद यहां पर पूछा गया है आपसे क्या होगा, और यहां पर आप देखिए किसका क्यूब है, 11 का स्क्वेयर, माफ कीजिएगा स्क्वेयर की बात हो रही है, एक का स्क्वेयर, तीन का स्क्वेयर, पांच का स्क्वेयर और छह का स्क्वेयर और सात का स्क्वेयर। और यहां पर क्या आएगा, आपको देखने पर पता लग रहा है ये किसके क्यूब भाई यहाँ पर होंगे। देखिए 1, 3, 5, 6 को अभी इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, 7 का क्यूब स्क्वायर है और यहाँ पर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 81 विल बी अवर राइट आंसर। उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, सबसे पहले ये आपने सीखा कि किस तरीके से जो है अप्रोचेस को अप्लाई करना है। धीरे धीरे देखिएगा, क्वेश्चन को टिपिकल लेवल की तरफ लेकर चलूंगा, बस आपने जो चीजें आपको बताई ये आपको जो है माइंड में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं हर क्वेश्चन को जो है आपको करवाऊंगा। सीरीज है 4, 7, 12, 4, 7, 12, 19, उसके बाद है 28 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है आपको फाइंड आउट करने को बोला है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ वैसे सोचिए। सबसे पहले देखना है गैप कितना आपको दिख रहा है, देखने से आइडिया लग जाएगा कि बहुत ज्यादा तो गैप यहाँ पर नहीं है, बहुत बड़ा गैप यहाँ पर नहीं है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, 4 से 7 का मल्टीप्लीकेशन तो नहीं करना है, यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, जमा 3 का गैप है। 7 से 12 का कितना गैप है, जमा 5 का गैप है। 12 से 19 कितना गैप है, ध्यान से देखिए, जमा 7 का गैप है। 19 से 28 कितने का गैप है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 9 का गैप है। ध्यान से देखो चीजें हो क्या रही हैं, यहाँ पर चीजें हो क्या रही हैं। 3, 5, 6, 7, 7 से 2, जम देखिए इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 2 का।
दो का, दो का, तो यहां से यहां का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, दो का होगा। 9 जमा 2 11, यानी कि यहां का जो गैप होगा वो कितने का है, 11 का है, जमा 11 ऐड करना पड़ेगा। 8 और 1 9, 2 और 1 3 39 विल बी अवर राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जो है आगे की तरफ चल रहे हैं, और ये वो टॉपिक है नंबर सीरीज जो पटवारी के एग्जाम में, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और मैं एक बार फिर से बता दूं, पटवारी एग्जाम का कोर्स रेडी हो चुका है, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का कोर्स रेडी हो चुका है, जिसकी डिटेल अगर आपको ज्वाइन करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहां पर जो है आपको मिल जाएगी। वहां पर भी मैथमेटिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। एक बार इस ऐप को जो है जरूर विजिट कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब फॉर यू, जिसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए। आगे चलिएगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल चुटकियों में हो गया, आपको क्या याद रखना है, इसकी अप्रोचेज जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 7 के बाद है 8, उसके बाद है 24, उसके बाद सीरीज है हमारे पास 105, उसके बाद है हमारे पास 361, और यहां पर हमसे पूछा गया है कि यहां पर क्या आने वाला है। सबसे पहला ट्रिक जो आपको बताया है, क्या देखना है, गैप कितना दिख रहा है, क्या बहुत बड़ा गैप है 7 से 8, 8 से 24? जी नहीं, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहां से एक चीज आपके मन में आ गई, क्या आ गई, या तो एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहली अप्रोच ये देखनी है, दूसरी अप्रोच देखनी है क्या किसी के स्केयर के आसपास तो नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखो अगर इसको हम करते हैं, ये तो 2 के क्यूब के आसपास है, जैसे 2 2 4 2 8 से 1 गया 7 आ गया, लेकिन फिर यहां पर 8 है वो तो 3 का 9 हो गया। ठीक है, उसके आसपास है। ठीक है, देखिए यहां पर माइनस करूंगा, 2 2 4 2 8 में से 1 गए 7, लेकिन 3 3 9 3 27 में से 1 गया, तो वो तो 26 आ गया। इसका मतलब स्केयर और क्यूब का अभी रोल यहां पर नहीं है, सिंपल रोल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ध्यान से देखते हैं, 7 में से 8 गए जमा 1, आराम से देखना है, बिल्कुल आराम से, अभी आप समझ रहे हो। अगर यहां पर गलती कर लोगे ना, अच्छी बात है, एग्जाम में गलती करोगे ना तो आपको भी पता है यहां पर गलती करना अच्छा, मतलब यहां पर गलती हुई 110% एग्जाम में गलती नहीं होगी। अगर यहां पर गलती नहीं की सॉल्व करने के दौरान, गलतियां नहीं की, तो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है गलती होने की। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, गलतियां होती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिएगा, देखिए आगे, देखिए 8 और 24 के बीच का कितना का फर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा, जमा 16। ठीक है, 24 से 105 के बीच का फर्क देखते हैं, 5 में से 4 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 71। क्या कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ध्यान से देखिएगा कितना है, 10 में से 2 गए 8, माफ कीजिएगा कैरी नहीं है, 81। ठीक है, +81 का है, और यहां से यहां का फर्क देखिए कितना है, 5 6 7 8 9 10 11 6 5 3 में से गए जमा 256। ये यहां पर गैप है। अब ये जो गैप है इसके ऊपर फिर से वो कंडीशन लगाए, क्या किसी के स्केयर के आसपास तो नहीं, किसी के क्यूब के आसपास तो नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से हर एक चीज को बड़े आराम से देखिए, क्या है, देखिए 1 है यहां पर, ठीक है 7 से, क्या ये 1 का स्केयर है? ठीक है, ये जो है देखिए 16 16, देखिएगा 1 और 16 16 क्या होता है, 4 का स्केयर। देखिए ध्यान से देखिए, अभी 4 का स्केयर, ठीक है 81, 9 का स्केयर, 256 किसका स्केयर होता है, 16 का स्केयर। क्या इससे भी कोई हिंट मिली, 1 4 9 16 अभी हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि अभी काफी डिफरेंस है, हमें नहीं पता लग रहा आगे वाला नंबर क्या आएगा। अगेन देखिए 1 का स्केयर, ये जो 4 है इसे 2 का स्केयर लिख सकता हूं, ये 3 है 9 है इसे 3 का स्केयर लिख सकता हूं, 16 इसे 4 का स्केयर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं, बड़े ध्यान से देखिए, यही सारा काम रहता है नंबर सीरीज में, नंबर फाइंड करने का, किसी के कितना आगे है, किसी से कितना पीछे है, स्केयर है क्यूब है, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को,
हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन है और ऐसे ही आपकी कमांड बनाऊंगा हर क्वेश्चन के ऊपर, ये मेरा वादा है। और चैलेंज आपको पता है, भूल के बताइएगा अगर पूरी क्लासेज आपने देख ली नंबर सीरीज के ऊपर और जितने भी टॉपिक्स हैं अलग से। देखिए 161 से 256 का गैप है, यहां पर देखिए ये 1 का स्केयर हो गया, ये 4 का स्केयर है, ये 9 का स्केयर है, 16 का स्केयर है। देखिए अब 1 का स्केयर 4 है, 2 का स्केयर 9 है, 3 का स्केयर 16 है, 4 का स्केयर, तो यहां पर कितना आएगा 5 का स्केयर, यानी कि 25 का स्केयर, यानी कि प्लस 625 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का जो गैप था वो प्लस 625 था, प्लस 625 था। तो ध्यान से देख लेते हैं कितना आएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 986 विल बी अवर दिस मिसिंग नंबर। ये हमारा मिसिंग नंबर था, कौन सा आया 986 आया। हल्का सा लेवल ज्यादा था इस क्वेश्चन का, लेकिन आपने देख लिया दो कितने स्टेप इसमें लगे, दो स्टेप जो में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। एक तो सबसे पहले गैप निकाला, फिर वो गैप देखा किसका स्केयर बन रहा है, फिर उन स्केयर के बीच में आपस में हमने क्या निकाला, रिलेशन निकाला कि 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर 5 का स्केयर एंड सो ऑन, 6 का स्केयर 7 का स्केयर, चीजें आपके सामने है। देखिए ये मैंने तोड़कर आपको बताया, ठीक है, आप इसको चाहे तो यहां पर भी सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप, देखिए 2 के स्केयर का स्केयर, 3 के स्केयर का स्केयर, 4 के स्केयर का स्केयर, 5 के स्केयर का स्केयर, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको इस क्वेश्चन में ना हो, क्योंकि अभी देखिए नंबर सीरीज की ये पहली क्लास है, लेवल आगे बढ़ाऊंगा, अभी लेवल अभी आप देखोगे आगे आगे, ये तो अभी ट्रेलर है, लेकिन यहीं से आपकी नींव मजबूत करूंगा। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिप, बहुत हो चुका है आपका नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिप। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो ना, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। प्रैक्टिस करनी है तभी बात बनेगी। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अप्रोचेस 3 से 4 है वो आपको बता देगा, सारे क्वेश्चन इसी के अराउंड जो है घूमते हैं, किसी के स्केयर के अराउंड घूमेंगे, क्यूब के अराउंड घूमेंगे, कभी हमें स्केयर में कुछ ऐड करना पड़ेगा, कभी क्यूब से कुछ माइनस करना पड़ेगा, उनके बीच का गैप देखना पड़ेगा, यही सारी चीजें नंबर सीरीज में आती हैं। शर्त एक है प्रैक्टिस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, और अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोचेस मैंने आपको बता दी, इम्प्लीमेंट अब आपको कर लेते हैं, सिखाऊंगा मैं, प्रैक्टिस आपकी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फायदा आपको उठाना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना है। इन कोर्सेज की डिटेल जो मैंने आपको बताई, पटवारी की और कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की, इसकी डिटेल को जो है उनके साथ शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके का जो है हमारे पास सीरीज है, बड़े ध्यान से देखना है। 10, 100, ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को देखना है। 310 यहां पर आपसे पूछा गया है मिसिंग नंबर क्या होगा, इस सीरीज का फॉरवर्डिंग नंबर क्या होगा। हमारे पास जो मर्जी सीरीज हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने अप्रोचेस सीखी है, हमने गवर्नमेंट जॉब फॉर यू की क्लासेस लगाई है, हमने कोर्स को जो है देखा हुआ है, क्या करेंगे। देखिए गैप बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने पहले भी बोला बहुत ज्यादा का मतलब है 1000 का डिफरेंस डाला बीच में, 800, 900, 500, 600 का डिफरेंस डाला बीच में, तब आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है, तब जाके। देखिए अभी आगे और भी चीज आपको बताऊंगा, जो सीरीज जीरो से शुरू होती है वहां पर सिंपली एक रूल लगता है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेस स्ट्रांग होगा वैसे वैसे चीजें और टिपिकल लाऊंगा आपके लिए। पहले बिल्कुल आसान सीखिए, यहाँ पर आपने देखा 10 से 100 है, 100 से 200 है, 200 से 310 हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, सिंपली छोटा गैप है, 100 से 200 का गैप, मतलब यहाँ पे भी प्लस और माइनस के बारे में सोचना है। देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100, 10 से 100 का डिफरेंस है 90, 100 से 200 का डिफरेंस है 100, 200 से 300 का डिफरेंस है 110। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां से यहां तक जाने में प्लस 10 हो रहा है, यहां से यहां तक जाने में प्लस 10 हो रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में भी क्या होगा, प्लस 10 होगा, तो 110 का गैप था यहां पर आएगा 120 का, मतलब इसका और इस जो मिसिंग नंबर है उसका बीच का गैप कितना है, 120 है।
उसे बस इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया, जीरो दो और एक तीन, तीन और एक चार। ध्यान से देखिए, 310 जमा 120, जीरो दो और एक तीन, तीन और एक चार। नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 430 विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर, इस क्लास का जो मेन टारगेट है ना, क्वेश्चन क्लियर होने से ज्यादा मतलब है आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझ आनी चाहिए नंबर सीरीज को सॉल्व करने। अभी तो बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल लेके चला हूं मैं, बिल्कुल आसान से, और आपने मेरे से पहले सॉल्व करने हैं ये। अभी आगे टिपिकल आएंगे, टिपिकल चीजें आएंगी, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आज के इस क्लास में इन अप्रोचेस को सीखिए कैसे अप्लाई करना है, इसलिए थोड़े से आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। चलिए एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी आपको दे देता हूं, आइडिया हो जाएगा। देख इतना भी टिपिकल नहीं है लेकिन एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा टिपिकल। देखिए सीरीज देखिएगा, 512, 516, उसके बाद है 532, ठीक है, इसके बाद है 596 और इसके बाद है 852, और ये वाला नंबर आपसे पूछा है, ये मिसिंग नंबर क्या होगा। बड़े आराम से देखिए, जो भी मेथड आपको बताया है उसे अप्लाई कीजिए, कोई एक पर्टिकुलर मेथड तो नहीं है इन क्वेश्चन के, फिर भी मैंने आपको दो से तीन से चार अप्रोचेस आपको बताई जहां से ये चीजें देखिए आराम से निकलेंगी, आराम से निकलेंगी। और सफल होने के तीन नियम बताता हूं, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, ये तीन चीजों के ऊपर काम कीजिए। खुद से वादा मतलब ये एग्जाम क्लियर करना है, मेहनत ज्यादा यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना पड़ती है, उसके लिए आप हमारा चाहे कोर्स परचेज कीजिए या खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कोर्सेज में आपको जो है डायरेक्ट चीजें मिल जाएंगी थाली में से जाकर, बस एक ही काम करना है आपको, उन चीजों को जो है पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। और इसकी सारी डिटेल, पटवारी एग्जाम हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, सारी की सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, डिटेल्स जरूर विजिट कीजिएगा। अब क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, 512 516 सबसे पहली अप्रोच क्या है, कितना गैप है, देखने से पता चल रहा है बहुत छोटा गैप है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाले पंगे में नहीं पढ़ना, एक चीज क्लियर, मल्टीप्लीकेशन वाले पंगे में नहीं पढ़ना, एक चीज क्लियर, पंगे में पढ़ना है प्लस माइनस। देखते हैं 512 से 516 प्लस 4, 516 से 532, 12 से 6 गए 6, 3 से 1 गए 2, प्लस 26, प्लस 26, 12 में से 6 गए 6, अच्छा 2 में से 1 गए, माफ कीजिएगा, प्लस 16, माइनस करना है, बस इन गलतियों से भी एग्जाम में बचना है। नेक्स्ट गैप देख लेते हैं, 596 में से 532 गए, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, यहां पर कितना का गैप है, 64 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 852 से 596 गए, 12 में से 6 गए 6, यहां पर कैरी चली गई थी 14 बचा 9, 10 11 12 13 14 5 और 6 में से 5 गए 1, माफ कीजिएगा 7 में से 5 गए 2, ठीक है, यहां पर कितना आया 256 का गैप, गैप हमने निकाल दिया। गैप हमने किस अप्रोच से निकाला, पहले हमने देख लिया क्या यहीं पर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, आपका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 4 16 64 256 कुछ दिख रहा है आपको इसमें कॉमन, अब यहां पर देखते हैं कुछ दिख रहा है, ये 2 का स्केयर 4 का स्केयर, ये किसका स्केयर है, 8 8 64, आगे 256 ये भी किसी का स्केयर है, लेकिन स्केयर पर जाने से पहले आप देखिए क्या आप 4 को अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं 16 आ रहा है, 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं 64 आ रहा है, 64 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं 4 चौके 16 6 चौके 24 और 1 25 256 आता है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय 4 ही करना पड़ेगा। यहां पर भी दूसरा स्टेप हमें देखना पड़ा, 4 16 64 256 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ा, ध्यान से देखो 6 चौके 24 5 चौके 20 2 22 4 2 8 2 10, यानी कि यहाँ इस नंबर और इस नंबर का जो डिफरेंस होगा 1024 का होगा, इसमें ऐड करना है कितना 852,
चार और दो छह, पांच और दो सात, आठ ब्रेक, एक आठ सात छ, एक आठ सात से 1876 विल बी अवर नेक्स्ट नंबर। कितना आएगा? 1876। क्वेश्चन आपने देखा हल्का सा टिपिकल था, टिपिकल इन द सेंस अप्रोचेस वही रहेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन आपने सोचना वैसे ही है जैसे आपको बताया गया, जैसे हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में दिए थे, क्वेश्चन वैसा ही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 1, 4, 10, उसके बाद है 22, उसके बाद है 46, और यहां पर आपसे पूछा गया है कि मिसिंग नंबर जो है क्या होगा। आराम से सोचिए क्वेश्चन, और मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। अप्रोचेज आपको बताई हैं, अप्रोचेज आपको बताई हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के पंगे में नहीं पड़ना, सिंपल प्लस माइनस करना है। एक से चार का डिफरेंस, जमा का 3 है, यहाँ जमा का 6 है, यहाँ जमा का 12 है, और यहाँ 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर 24 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना होगा? देखिए इन दोनों का रिलेशन देखिए, कुछ रिलेशन आपको देख के ही समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं 6 आता है, 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं 12 आता है, 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 24 आता है, 24 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो 48 आएगा, यानी इसका और इसका डिफरेंस 48। बस ऐड कर दीजिए, 8 6 14, 4 4 8 और 1 9, कितना आएगा यहां पर? 94 विल बी आवर राइट आंसर। अब मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोचेज आपको समझ नहीं आई, फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि आगे जो है हमसे किस टाइप के क्वेश्चन जो है और पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा, आज की क्लास में जो मेन टारगेट है आपको इसके अप्रोचेज सिखाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को देखकर पहचानना है, क्या क्या वहां पर सोचना है, क्या क्या वहां पर आपको समझना है। बाकी चीजें आसान है, फिर धीरे धीरे इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर टिपिकल क्वेश्चन की तरफ भी लेकर चलूंगा, जैसे बीच में एग्जाम्पल दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन है 2, 5, ठीक है, 11, 23, उसके बाद है 47, उसके बाद है 95, और उसके बाद है 191, यहां पर आपसे पूछा गया है मिसिंग नंबर क्या होगा। सबसे पहले अप्रोच आपको क्या बताए कि आपको देखना है क्या, जो भी सीरीज आपके पास है गैप कितने का है। गैप आप देख के ही बता दोगे कि बहुत ज्यादा गैप जो है हमारे पास नहीं है, मतलब एक तो फिर ऊपर से इंक्रीजिंग है, तो सिंपल एडिशन हुआ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और साथ में मैंने क्या बोला है, और साथ में मैंने क्या बोला है, आपने ये भी देखना है कि किसी के स्केयर और क्यूब के आसपास तो नहीं है चीज हमारे पास। स्केयर और क्यूब को भी माइंड में रखना है, जब ये चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन देखते एग्जाम में पहचानोगे। ध्यान से देखो, क्या किसी के स्केयर और क्यूब के आसपास है? मुझे तो लग रहा है स्केयर और क्यूब के आसपास, लेकिन बड़े ध्यान से देखना, हर चीज को आराम से समझेंगे, हर चीज को आराम से समझेंगे। अगर आप इसको देखो, जो अप्रोच हमने सबसे पहले की, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस समझता हूं, 3 है, 6 है, यहाँ कितना है, 3 में से 1 गए 2, और 2 में से 1 गया 12 है, यहाँ कितना है, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 2 गए 24 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 8 है, और 9 में से 15 से 8 में से 4 गए 48 है। यहाँ का गैप देखिएगा, 191 से 95 को माइनस करना है, 11 में से 5 गए 6, और 18 में से 9 गए 96 है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, देख रहे हो आप, गैप से निकाल दिया हमने इनके तीन का। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96, 96 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 6 2 12, 9 2 18, और 1 19। बस ये ऐड करना है 191 और 192 में, 2 और 1 3, 9 9, 9 जमा 9 18, 1 2 1 3 83 विल बी आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर?
क्वेश्चन क्लियर हुआ बता दीजिएगा। 96 इंटू टू 6 दो 12, 9 दो 18 19, और 191 में ये जो है हमने ऐड करना है, 191 जमा 192, 2 और 1 3, 9 9 18, 1 2 3, 383 विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर है बता दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हो एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्या है ध्यान से देखिए, 2 और 5 के 3 था, 6 था, 12 था, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 12 था, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 2 गए 24 था, 24 देखिए 3 2 6 2 12 2 24 2 48 2 96, 96 इंटू 2 एक 6 2 12 9 2 18 192, 192 और 192 आ गया 383। एक और तरीके से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ध्यान से देख अप्रोचेस देखो, क्वेश्चन जो है उसकी अप्रोचेस आपको देखनी है कि कैसे कैसे जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देख। एक तो एक तरीका, दूसरा तरीका देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय टू करूं जमा वन कर दूं, ध्यान से देखो, टू टू जर फोर जमा एक फाइव, फाइव टू जर टेन जमा वन, इलेवन टू जर ट्वेंटी टू जमा वन, यहां पर देखिए ट्वेंटी थ्री टू जर फोर्टी सिक्स जमा वन फोर्टी सेवन, मल्टीप्लाई बाय टू जमा वन, क्या ये भी मेथड यहां पर लग रहा है? जी हाँ, ये मेथड भी यहां पर लग रहा है। तो क्या करेंगे, 191 मल्टीप्लाई बाय 2 जमा 1 कितना आ गया, देखिए 191 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 2 18, 2 और 1 3, 382 जमा 1 कितना आ गया 383। उस तरीके से भी यही आंसर हमारे पास, उस तरीके से भी यही आंसर जो है हमारे पास आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए जमा 1 कीजिए, आंसर आ रहा है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन क्यों मैंने करवाया, यहीं पर देखने आपके अप्रोच को सिलेक्ट करने के ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होता इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो आपको मैंने तरीका बताया ना उस तरीकों को समझिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, अपने आप आंसर निकलेगा। अब देखिए दो मेथड हमने देखे, यहां पर मैं डिफरेंट अप्रोचेस इसलिए आपको बताई ताकि आप ये ना सोचे कि इसी तरीके से इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जा सकता है। आपके पास जो आपको अप्रोच अच्छी लगती है, जो अप्रोच आपने सीखी, उन अप्रोचेस को अप्लाई कीजिए, आंसर अपने आप निकलेगा, बस तरीका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सीरीज है 3, 10, 29, 66। इस क्वेश्चन में एक नई अप्रोच सीखोगे, 66 उसके बाद है 127 उसके बाद है 218 और यहां पर जो है मिसिंग नंबर आपसे क्या है पूछा गया है, ठीक है देखेंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन देखो, 3, 10, 29, 66, 127, 218। सबसे पहला काम हमने क्या देखना है, किसका डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं लग रहा, हम सबसे पहले मन में आंसर के प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज और आपको बताई, क्या चीज मैंने आपको बताई, आपने देखना क्या कहीं किसी स्केयर और क्यूब के आसपास तो नहीं है, स्केयर क्यूब करने से क्वेश्चन और इजी हो जाता है एज कंपेयर टू उसको जब हम प्लस और माइनस करते हैं। तो देखेंगे क्या किसी के स्केयर के पास तो नहीं है, ये किसके स्केयर के पास है, दो दो चार कर सकते हैं तो स्केयर के पास है, ये तीन तीन नौ कर सकते हैं स्केयर के पास है, 29 देखो किसी के स्केयर के पास है, 5, 5, 25 लेकिन बीच में चार का गैप पड़ गया, यानी कि स्केयर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं अगर मैं दो का क्यूब करता हूं, दो दो चार दो आठ जमा दो दस, यहां पर तीन का करता हूं 27 के आसपास है, चार चौके 16, 16 चौके 64 के आसपास है, 5, 5, 25, 5, 125 के आसपास है, उसका 6, 6, 36, 6, 216 के आसपास है, यानी क्यूब के आसपास है। तो यहां से क्या हिंट मिल गया कि क्यूब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, एक का क्यूब जमा दो करूं तीन आएगा, इसको देखिए दो का क्यूब जमा दो करूं, इसको देखिए तीन का क्यूब जमा दो करूं, तीन तीन नौ तीन 27 जमा दो 29, इसको देखो चार का क्यूब जमा दो, चार चौके 16, 16 चौके 64 जमा दो 66, ये देखो पांच का क्यूब जमा दो, 5, 5, 25, 5, 125 जमा दो 127, ये देखो
6 का क्यूब जमा 2, 6 छिके 36 छिके 216 जमा 2 218, तो ये कितना आएगा, 7 का क्यूब जमा 2, 7 7 49, 7 7 9 7 63, 343, 343 जमा 2 345, 345 विल बी राइट आंसर। यहां से आपने नई चीज क्या सीखी कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस के साथ आपको जो है उसका स्केयर के आसपास भी देखने हैं, क्या नंबर आसपास आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमने स्केयर के आसपास देखे, दो नंबर मिल गए, उसके आगे वाले नहीं मिल रहे थे। हम क्यूब के पास गए, जैसे ही क्यूब के पास गए हमें उसके आसपास के नंबर मिल गए, बस जमा दो कर दिया। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, यहां पर होता 12, यहां पर होता 30, तो क्या करते, तो माइनस करना था, उस हिसाब से क्वेश्चन करना था, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसा एग्जामिनर ने पूछा है। यहां पर मेरा काम है आपकी प्रैक्टिस करवाना, आपको तरीका बताना कि सोचना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बाकी कोई फिक्स रूल नहीं है यहां पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, वहां से और चीज आपको जो है क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, 3, 15, और इस क्वेश्चन के करने के बाद आपको बताऊंगा कि जो सीरीज 0 से शुरू होती है वहां पर कौन सा रूल लगता है। देखिए बड़ा आसान चीज है, वो भी चीज आपको समझनी है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 3, 15, 35, 63, ठीक है, 63 के बाद है 99 और उसके बाद है 145, और यहां पर मिसिंग नंबर आपसे जो है, माफ कीजिएगा, 143 है, उसके बाद जो है मिसिंग नंबर आपसे यहां पर पूछा गया। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3 और 15 करोगे 12 आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच में 12 20 के बीच में कोई सिमिट्री हमें देखने से नहीं बैठेगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं जो दूसरी अप्रोच है हमारी, कि किसी के स्केयर के पास तो नहीं है। देखते हैं 2 का स्केयर 4 होता है, उसके 1 कम है, 3 का स्केयर 9 होता है लेकिन वो ज्यादा हो गया, 4 का स्केयर 16 होता है उसके आसपास भी नहीं, उसके आसपास भी नहीं है। फिर देख लेते हैं, पर एक चीज यहां पर देखो, ये तो नहीं है लेकिन ये पास है 16 के, उसके 5 के पास ये नहीं लेकिन 6 के पास ये है, 6 6 36, 1 का डिफरेंस पड़ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं करूं 2 का स्केयर माइनस 1 4 माइनस 1 3, 15 को मैं क्या करूं 4 का स्केयर माइनस 1 4 16 में से 1 गए 15, यहां पर देखो 6 का स्केयर माइनस 1 35, यहां पर आप देखो 2 4 6 8 आएगा, 8 का स्केयर माइनस 1, यहां पर आप देखो 10 का स्केयर माइनस 1 99, यहां पर आप देखो 12 का स्केयर माइनस 12 बार होता है 144 में से 147, 13 आएगा नहीं 14 का स्केयर आएगा, 14 का स्केयर माइनस 14 14 196, कितना आएगा 195 195 विल बी अवर राइट आंसर यहाँ पर। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी, यहां से आपने क्या चीज सीखी, यहां से आपने ऑड इवन का भी देखा कि ऑड इवन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। जब आप स्केयर देखोगे तो यहाँ पर एक नई चीज अब ऐड कीजिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्लस माइनस आपने सीखा, उस पर आपने देखा कि स्केयर और क्यूब के आसपास तो कहीं क्वेश्चन नहीं है, अब एक नई चीज ऐड हो गई, क्या जब आप स्केयर और क्यूब देखोगे ना, साथ में ये भी चेक कर लेना कि कहीं ऑड ऑड नंबर तो नहीं, कहीं इवन इवन नंबर तो नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में इवन नंबर का स्केयर के आसपास था, 2 था 4 था 6 था, जरूरी नहीं कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही होंगे कि 1 2 3 4 5 ही मिलेगा आपको, हो सकता था 1 3 5 7 का स्केयर के आसपास होते। यहां पर 2 4 6 8 10 12 यानी इवन नंबर के स्केयर के आसपास वैल्यू हमें देखने को मिली। तो देखिए हर चीज आप वन बाय वन सीख रहे हो, अपने माइंड में डालते चल रहे हो, जब ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी फिर देखना क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज लूंगा वो सीरीज है स्टार्ट विद 0, ये नया रूल आप सीखोगे। कोई भी सीरीज अगर 0 से स्टार्ट होती है सबसे पहले आपने क्या सोचना है वो ध्यान से सुनो, सीरीज स्टार्ट विद 0, कोई भी सीरीज 0 से स्टार्ट हो आपने सबसे पहले क्या सोचना है, बड़े ध्यान से देखिए, 0 6 24, उसके बाद आता है 60 120,
उसके पास आएगा हमारे पास 210 और आगे हमसे पूछा गया है कि यहां पर कौन सा नंबर जो है आने वाला है। आप ध्यान से सुनो, कोई भी जीरो सीरीज जीरो से स्टार्ट हो सब कुछ भूल जाना है, सिंपली याद रखना है वो सीरीज हमेशा स्केयर से स्टार्ट होगी या क्यूब से स्टार्ट होगी, उसमें प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादा नहीं घुसना है 98% केसेस में या 99% केसेस। एक्सेप्शन तब भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहली अप्रोच जैसे ही एग्जाम में आया आपका जीरो से, आपने सबसे पहले या तो स्केयर देखना है या तो क्यूब देखना है और कुछ भी नहीं सोचना। देखते हैं स्केयर से करके, जीरो का स्केयर जीरो, दो का स्केयर अगर मैं करूं, दो का स्केयर जमा दो छह आएगा, तीन का स्केयर 9 जमा 24, जी नहीं बात नहीं बनेगी, मतलब क्यूब के आसपास जाना पड़ेगा। यहां तो जीरो का क्यूब हो गया, यहां तो जीरो का क्यूब हो गया, लेकिन जीरो को क्यूब से जाने से पहले एक चीज और कर सकते हैं, क्या? ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर जीरो लिया तो एक के क्यूब के आसपास तो बात नहीं बनेगी, तो इससे अच्छा है मैं ले लूं एक का क्यूब माइनस एक। जीरो जीरो को तो अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं, इसे देखते हैं, दो का क्यूब माइनस दो, दो दो चार दो आठ, दो माइनस दो, इसे देखो अब, तीन का क्यूब माइनस तीन, तीन तीन नौ तीन सत्ताईस, 27 में से तीन गए कितना आया 24। ये देखते हैं चार का क्यूब माइनस चार, चार चौके 16 चौके 64, 64 माइनस 4 होता है 60। ये देखो पांच का क्यूब माइनस पांच, 125 माइनस 5 120। ये देखो छह का क्यूब माइनस छह, 6 छके 36 छके 216, 216 से 6 गए 210। मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब 7 7 49, 7 343, 343 में से 7 गए, 7 8 9 10 11 12 13 6 8 9 10 11 12 13 6, और यहां पर 3 और यहां पर 3, 336 विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देखा, कोई भी सीरीज अगर जीरो से स्टार्ट हो ना, उसमें किसी पंगे में नहीं पड़ना, सिंपली उसका स्केयर और क्यूब देखना है कि उसके स्केयर और क्यूब के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करोगे। सीरीज देखिए जीरो से लूंगा, क्वेश्चन देखिए 07 26 63 124, और यहां पर जो है आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है और बाद में जो है इसे मैच करना है। आपको हार्डली इसके लिए जो है 30 सेकंड देता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, 30 सेकंड आपके पास। चलिए देखते हैं, जीरो जब भी मैंने आपको बोला, जब भी सीरीज जीरो से शुरू होती है या तो स्केयर के आसपास होगी या तो उसके क्यूब के आसपास होगी, हर एक चीज आपको देखनी है, ठीक है? ध्यान से देखो, जीरो अगर मैं इसको एक का स्केयर माइनस एक कर दूं, जीरो आ जाएगा, सात को दो का स्केयर माइनस दो करूं, जी नहीं बात नहीं बनेगी हमारे पास, किससे करना पड़ेगा, क्यूब से कर दूं, दो का क्यूब माइनस दो, दो दो चार दो आठ, माइनस दो तो नहीं होगा लेकिन माइनस एक हो जाएगा, दो का क्यूब माइनस एक हो गया 7। आगे देखो, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं ना, इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं, जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखो, तीन का क्यूब माइनस एक, 27 में से एक गए, 64 में से एक गए 63 हो गया, 4 का क्यूब माइनस 1, यहां पर माइनस एक हो रहा है, यहां पर 124 है, देखिए 5 का क्यूब माइनस 1, यहां पर कितना आएगा 6 का क्यूब माइनस 1, यानी कि ध्यान से देखो 6 क्यूब माइनस 6 छके 36 छके 216 में से एक गए कितना आ गया 215 विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन एक और लेंगे इसका, ध्यान से देखिए सीरीज का 04, नेक्स्ट है हमारे पास 18, नेक्स्ट है हमारे पास 48, नेक्स्ट है हमारे पास 100,
ठीक है, इसके आगे का नंबर जो है आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि कितना यहाँ पर जो है नंबर आएगा। हिंट आपको दे दी, हिंट आपको दे दी, आराम से सोचना है क्वेश्चन किस तरीके से होगा। होगा क्यूब के आसपास ही, स्क्वायर के आसपास ही, लेकिन आंसर क्या होगा? ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान सीरीज थी। अब थोड़ी सी लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि जो इसके आगे वाली क्लास होगी ना उसमें लेवल ऊपर ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है, उसमें लेवल ऊपर ही होगा। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। और ये भी जान लीजिए जो अपकमिंग पटवारी का एग्जाम है जिसमें नंबर सीरीज पूछी जाती है, जो अपकमिंग जो है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का एग्जाम है, इसके पूरे कोर्सेज जो है बन के रेडी हैं। आप गवर्नमेंट जॉब फॉर यू चैनल के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, और इन कोर्सेज के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप जरूर जो है इस ऐप को विजिट कीजिए, इन कोर्सेज के लिंक के ऊपर जाकर जो है कोर्सेज डिटेल को विजिट कीजिए। फ्री डेमो क्लास भी अवेलेबल है, हर एक चीज आपको अवेलेबल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 37, 44, नेक्स्ट है 70, यहां पर है मिसिंग सीरीज हमारे पास, उसके आगे है 257 और उसके आगे है 472। ठीक है, मिसिंग नंबर है, आपको बताना है क्या है। अप्रोचेज आपको बताई है, अगर थोड़ा भी अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर थोड़ा भी अच्छा पढ़ा रहा हूं तो अपने दोस्तों की भी तो कीजिए केयर। जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लिंक और इन कोर्सेज के लिंक उनके साथ कर दीजिएगा शेयर। देखो 37, 44, 72। सबसे पहली अप्रोच है हमारी, हमें देखना है कितना डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, हो सकता है प्लस माइनस करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या देखते हैं किसी के स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, किसी के क्यूब के आसपास तो नहीं है। 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 4 64, किसी के आसपास ये नंबर आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो हमारी पहली अप्रोच है, गैप देख लेते हैं बीच का, 7 7 14 जमा 7 का गैप है। यहां से यहां तक का गैप कितना है? 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 4 गए 2, यहां पर गैप है 26 का। यहां पर कितने का गैप है? 26 का गैप है। अब यहां का गैप हम नहीं निकाल सकते और यहां का गैप भी हमारे पास नहीं है। यहां का गैप कितना है देखिए, 472 में से 257 गए, 7 12 में से 7 गए 5 7 8 9 10 11 12, और 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 215, यहाँ पर गैप है हमारे पास 200। अब देखो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है 7 और 26 के बीच के? ध्यान से देखो क्या ये किसी के, जो तरीके आपको बताए, क्या ये किसी के स्क्वायर क्यूब के पास है? देखते हैं, 7 पास है 8 के, 26 पास है किसके 5 के, या 5 के स्केयर के पास भी है, लेकिन गड़बड़ी क्या होगी, 2 का स्केयर का सीधा 5 आ जाएगा, कोई फिट बैठेगा नहीं। प्लस स्केयर के आसपास तो चीजें नहीं है, इसका मतलब आप कहाँ जाना पड़ेगा, क्यूब के पास जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 2 4 2 8 में से 1 गए, 3 का क्यूब माइनस 1, 3 3 9 3 27 में से 1 गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं तो यहां पर आना चाहिए कायदे से 4 का क्यूब माइनस 1, यहां पर आना चाहिए 5 का क्यूब माइनस 1, वेरीफाई अब हो जाएगा, ये आना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 1, तो मतलब हमारी ये बिल्कुल ठीक है। 6 6 36 216 में से 1 215, तो मतलब पैटर्न ठीक है हमारा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चौके 16 चौके 64 में से 1 63, यानी कि +63 यहां पर होना चाहिए। तो 3 6 6 12 और 1 13, 133 विल बी अवर राइट आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने उन्हीं अप्रोचेस को अपना के क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन हल्का सा सोचना पड़ेगा। या कब अच्छे से सोच पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, इसके आगे एक फिक्स सीरीज आपको बता देता हूं जो वेरियस क्वेश्चन में पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो, इन केस कह रहा हूं, एग्जाम में, किसी एग्जाम में मान लो नंबर सीरीज के अगर 5 क्वेश्चन आ गए ना, इन केस कह रहा हूं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर होंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 89
95, यहां पर मिसिंग नंबर निकालना है, उसके आगे है हमारे पास 127, उसके आगे है हमारे पास 157 और उसके आगे है हमारे पास 199। ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, वेरियस एग्जाम में पूछी जाती है। वेरियस मतलब अगर 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, इस वाले सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर एक तरीका बताने जा रहा हूं, जो आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो डायरेक्ट आप फाउंड आउट निकाल दो। कितने का गैप यहां पर आएगा, 89, 6, 15 जमा 6 यहां पर आ गया। यहां का गैप आपको नहीं पता है, मिसिंग नंबर निकालना है, यहां का गैप निकालो। 7 में से 7 गए 0, 5 में से 2 गए 3, यहां पर कितना गैप है, 30 का गैप है। यहां कितना गैप है, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 है। अब ध्यान से सुनो, जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इस चीज को याद कर लीजिएगा। जब भी इस तरीके की सीरीज आपको दिखी, कौन सी सीरीज, ध्यान से देखो, सीरीज है 2, 6, 12, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 42 के बाद आता है 56। जब भी ये सीरीज आपको दिखे 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ध्यान से देख लो, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, ये सीरीज हमेशा एक ही लाइन में रहती है और वेरियस क्वेश्चन में पूछी जाती है। फिर से याद करो मेरे साथ, बोलिए, बोलना पड़ेगा, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। देखो 30, 42 आ गया, 30, 42 आ गया, 2, 6 यहां पर है, 110% मान के चलिएगा यहां पर 12 आएगा, यहां पर 20 आएगा, 2, 6, 12, 20 यहां पर 20 आएगा। क्वेश्चन तो हो गया, नो डाउट क्वेश्चन तो हो जाएगा। कितना आएगा यहां पर, 6 है, 12 है, तो अगर हम 12 ऐड करेंगे, 5 और 2, 7, 9 और 1, 10, आंसर आपके हिसाब से कितना आएगा, 107 आएगा, विल बी राइट आंसर। ये काम हो गया, काम हमारा हो गया। लेकिन मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिए, आंसर निकल गया 107। यहां पर 2 नंबर मिसिंग है बीच में, ये चीज याद रखिएगा, यहां का नंबर के बीच में 20 आएगा, उसका डिफरेंस वो होगा, जैसे 107 जमा 20, 107 हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनो आप, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 यहां पर कहीं पे भी ये कॉन्जिक्यूटिव में आपको दिख जाए, जैसे हमने यहां से पहचान लिया 30, 42 है, आगे 56 होता तो यही सीरीज आती। अब इसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वो आपको बताऊंगा। देखिए 2 को 1 गुना 2, 6 को 2 गुना 3, 12 को 3 गुना 4, 20 को 4 गुना 5, 30 को 5 गुना 6, 42 को 6 गुना 7 और 56 को 7 गुना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसलिए सीरीज आपको बता रहा हूं। फिर से बोलिए, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 याद हो गई। देखो 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना, एक तो ये तरीका, इस तरीके का गैप हो सकता है सीरीज के बीच में, जब अभी ये डिफरेंस दिख जाए आपको, ये सीरीज ही पूछ ली जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर जमा 1, 2 का स्क्वायर जमा 2, 3 का स्क्वायर जमा 3, 3, 3, 9 जमा 3, 12, 4 का स्क्वायर जमा 4, 5 का स्क्वायर जमा 5, 5, 5, 25, 5, 30, 6 का स्क्वायर जमा 6, 7 का स्क्वायर जमा 7, सो ऑन, तो 8 का स्क्वायर जमा 8, आगे चलता जाएगा, लेकिन यहां तक काम बन जाता है। इस तरीके का डिफरेंस भी बीच में हो सकता है। सीरीज फिर से बोलिए, याद होनी चाहिए, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। ठीक है, और किस तरीके से लिखा जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, अब 2 से स्टार्ट किया, 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 20 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 30 को क्या लिख सकता हूं, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 42 को क्या लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7, 7, 49 माइनस 7, 42, 56 को क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8, 8, 64 माइनस 8, इज दैट क्लियर। तो आपने देखा इस सीरीज को कितने वेज के अंदर जो है देखिए डिफाइन किया जा सकता है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, स्क्वायर माइनस 2,
एक स्केयर जमा एक, दो स्केयर जमा दो, तीन स्केयर जमा तीन। तो ये सारे अप्रोचेज हैं, आपको इन्हीं के ऊपर कमांड बनानी है। इनके ऊपर कमांड बनेगी, क्वेश्चन आपके जो है अपने आप सॉल्व होंगे। यही आपको बताना चाहता था। एक ये सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 को जो है याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है ये चीज। और इनके बीच में क्या क्या रूल लगता है वो आपके सामने है। यहां पर कौन सा देखे, वैसे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहां पर और रूल कौन सा लगा आप देख लीजिए। क्या लिख सकता हूं इसे मैं, 6 है, 3 का क्यूब माइनस 3 लिख सकता हूँ, 12 है, 4 का क्यूब माइनस 4 लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब माइनस 5 लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब माइनस 6 लिख सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो कि अच्छा 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब माइनस 4। समझ रहे हो आप मेरे बात? तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आज के क्लास में नंबर सीरीज को इतना ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपको जो है समझ नहीं आया होगा, कोई भी अप्रोच आपको समझ नहीं आई होगी। नंबर सीरीज के क्वेश्चन इन्हीं अप्रोच के साथ सॉल्व कीजिएगा, बहुत जल्दी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे और गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास नंबर सीरीज के ऊपर होगी वो सारी क्लासेस ऊपर पेड कोर्सेज में ही लगेंगी। अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ये सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के लिए, एज वेल एज पटवारी एग्जाम में जो मैथमेटिक्स आता है। इसकी सारी की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन कीजिएगा। इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के ऊपर, वो नेक्स्ट जो क्लास चलेगी नंबर सीरीज की उसके ऊपर जो है सॉल्व करवाए जाए। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया अच्छा आता है, आपको बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए, अप्रोचेज आपको अगर समझ आ गए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव रिव्यू अपने जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।